मुझे निमसेट के बारे में सेकंड ईयर के एंडिंग में पता चला था। ये तो पता था कि एमसीए करना है, लेकिन एनआईटी से करना है ये कभी सोचा नहीं था। कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस जो थे मतलब ऐसे ही कर लेते थे हम लोग, 2 सेकंड में, 5 सेकंड में ऐसे। चलिए एक और नए टॉपर से मिलते हैं, अमित राजपूत, जो कि गुजरात से हैं, जिनका ऑल इंडिया रैंक 416 है और इनको एनआईटी जमशेदपुर अलॉट हुआ। तो अमित, सबसे पहले तो आपको एनआईटी जमशेदपुर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और अमित ने क्लासरूम में रह के पढ़ाई की है, तो अमित मैं चाहूंगा कि आपकी जो सक्सेस जर्नी है, क्लासरूम एक्सपीरियंस है, वो सब आप बताएं। यस सर। मैं गुजरात नवसारी से हूँ। तो फिर सबसे पहले तो मैं क्लासरूम स्टूडेंट था, तो फिर शरद सर के साथ पहले से ही जुड़ा था मैं। तो ऐसा था कि मैं मुझे निमसेट के बारे में सेकंड ईयर के एंडिंग में पता चला था। तो फिर उससे पहले तो कुछ प्लान नहीं था कि लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, बस चल रही है, कॉलेजेस वगैरह जा रहा हूँ, लेक्चर्स वगैरह चल रहे हैं। फिर मतलब इतना लाइफ में ना वे नहीं मिल पा रहा था, लाइफ को ट्रैक पे नहीं थी मतलब जर्नी मेरी जो थी। तो लेकिन सेकेंड ईयर के एंड में पता चला था, मतलब यूट्यूब वीडियोज वगैरह से ही पता चला था शरद सर से, कि फिर एक निमसेट नाम का भी एक एग्जाम होता है। ये तो पता था कि एमसीए करना है, लेकिन एनआईटी से करना है ये कभी सोचा नहीं था। तो फिर शरद सर मिले यूट्यूब पे, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। तो फिर वहाँ से पता चला कि आप मतलब निमसेट भी एक अच्छा स्कोप है एनआईटी से एमसीए करने का। तो फिर बस वहीं से चालू हो गया। तो फिर भी मैं सीरियस नहीं था कि मुझे एनआईटी से ही करना। तो फिर मैंने क्या किया, थर्ड ईयर आते आते मतलब कोविड का समय भी था तब, तो फिर मैंने सोचा कि किसी प्राइवेट कॉलेज से कर लूँगा। मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो फिर मैं महाराष्ट्र सीट देने वाला था। तो फिर वो एग्ज़ाम भी मैंने दे दिया था, मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे, मुझे पुणे का एक कॉलेज अलाउड हो रहा था। तो फिर लेकिन मैंने ये सोचा कि फिर ये कॉलेज मिल ही रहा है, तो फिर इतनी मेहनत कर ही ली हमने, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी थोड़े बहुत बनी गए, तो फिर क्यों ना मतलब और थोड़ा बड़ा सोचते। तो फिर वहीं से थोड़ा बहुत सर की बातें भी सुनता था मैं बीच बीच में। तो फिर उसी बातों से मुझे पता चला कि नहीं, एक साल ड्रॉप लेना चाहिए, उससे मतलब लाइफ में और हम लोग अच्छा कर सकते हैं। जब हम लोग 10 साल के बाद देखेंगे अपने आप को, 15 साल के बाद देखेंगे, तो फिर रियलाइज होगा कि वो एक साल का ड्रॉप कुछ मैटर नहीं करता। और फिर क्लासरूम में ये था कि मतलब कभी भी ये फील नहीं हुआ सर के साथ रह के, मैं तो फर्स्ट सेकंड बेंच पे बैठता था सर के सामने, तब तो फिर अच्छी फीलिंग आती थी। तो फिर कभी मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब हम लोग लो फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस पूरा देते थे सर हर समय, और मोटिवेशन तो था ही, मतलब सर सामने खड़े तो फिर मोटिवेट तो आप हो ही जाते वैसे भी। फिर एक समय था मतलब आज से 5-6-7 महीने पहले, जब अपने हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट हुआ था। तो फिर स्टार्टिंग में सर ने 2-3 क्लास लिए थे ट्रिग्नोमेट्री के। तो फिर उसमें क्या हुआ कि मेरा जो 11th 12th में जो मेरा ट्रिगो था वो एकदम वीक था, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो फिर जो जैसे 2-3 क्लास हुए ना, तो फिर सर से मैंने बात की, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर सर ने क्या किया, 9th 10th का हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस होता है, सर ने उस बेस से स्टार्ट किया। सर ने पूरे 1.5 से 2 महीने दिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए, और वहाँ से इतना अच्छा वो बेस बना है हमारा। तो फिर कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस जो थे मतलब ऐसे ही कर लेते थे हम लोग, 2 सेकंड में 5 सेकंड में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस जो थे। तो फिर मतलब यही है कि नॉलेज के लिए पढ़ो, आप लोग भी नॉलेज लेते जाओ, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, बस नॉलेज के लिए ही पढ़ते थे और सर से ही सीखा है सब। देखिए जैसे अभी अमित ने कुछ बातें बताई कि सेकंड ईयर तक तो पता ही नहीं था क्या करना है, ट्रैक गाड़ी चली जा रही थी, पर फिर डिसाइड किया और आपके महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ आप कर रहे थे, तो फिर इसको समझ में नहीं आया फाइनल ईयर के साथ, क्योंकि उतनी प्रिपरेशन ही नहीं हुई थी। 1 ईयर का ड्रॉप जरूर लिया, पर काफी अच्छे से मेहनत की, क्लास में सिंसियरली क्लास अटेंड की, और उसी का ये नतीजा है। तो अमित, आप अपने जूनियर्स को स्पेशली, और जो बच्चे ड्रॉप, आप गुजरात से हो क्योंकि गुजरात में बिजनेसमैन ज्यादा होते हैं, तो अक्सर ये होता है कि गुजरात के बच्चों में कई बार एक वो होता है कि हमको ड्रॉप लेना नहीं है, या पेरेंट्स बोलते हैं बिजनेस संभालो। तो आपने जब ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया तो क्या क्या चीजें थी आपके साथ, और आपको किस तरह से पेरेंट्स का सपोर्ट मिला? यस सर। तो फिर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो फिर ड्रॉप लेने का तो मैंने मतलब मन बना लिया था कि जब मुझे कॉलेज अलॉट हुआ था पुणे का, तो फिर मुझे जाना था पुणे यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में, लेकिन मुझे वो मिल नहीं रहा था क्योंकि मेरे मार्क्स नहीं थे। तो फिर मैंने उसी समय सोच लिया था कि ड्रॉप लूंगा। तो फिर शरद सर से मैंने फिर कॉन्टेक्ट किया था, शरद सर से बात की थी सर, फिर शरद सर ने बोला था कि ड्रॉप ले लो बेटा, मतलब आप कर सकते हो अच्छे से। और फिर फैमिली से भी बात की, मम्मी पापा से 1-2 दिन उनको भी मनाने में लगा, लेकिन उन्होंने भी मान लिया कि नहीं भाई तू कर ले, जब तक हम लोग हैं तब तक तू कर ले, उसके बाद हम लोग जब तक है तब तक तुझे जितना पढ़ाई करनी है कर ले, भले तुझे कितने भी पैसों की जरूरत हो, मतलब कभी दिक्कत तो होनी ही नहीं थी उन लोगों ने कभी मुझे। फिर ड्रॉपर्स को यही मैसेज है कि आप बस मेहनत करते रहो, सर पे भरोसा रखो,
मतलब सर जो बातें बोलते हैं छोटी छोटी बात पे आप लोग सही से मतलब ध्यान दो उनका। और मेरे साथ में फ्रेंड्स भी थे मेरे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, मेरा एक रूममेट भी था नवीन नाम का, उसने भी हमने मतलब साथ में हम लोग ग्रुप स्टडी भी करते थे, एक वेदांत नाम का फ्रेंड था, ग्रुप स्टडी करते थे हम लोग, रात को एक एक दो दो घंटे तक बैठते थे, कॉन्सेप्ट उनके भी अच्छे थे और मैं उनको कभी कभी डाउट्स पूछता था, मेरे डाउट्स क्लियर करते थे, लास्ट मोमेंट पे भी मैंने उनको डाउट पूछे थे। लेकिन ये मतलब आप पैनिक मत करो एग्जाम में कभी भी, शरद सर आपके सामने बैठे हैं, कभी भी ऐसा ही सोचो और बस आंख बंद के शरद सर के बारे में सोचो कि हमको पढ़ा ही रहे वो, बस आपका फील हो नेगेटिव फील हो ही नहीं आपको, और हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे आप और पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, अभी अमित ने जो बात बोली बिल्कुल सही बात है। जैसे नवीन का भी जिक्र किया, बहुत होशियार बच्चा था, पर पेपर में ओवर पैनिक होने की वजह से पेपर में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। ये बहुत कॉमन चीज होती है, साल भर पढ़ाई के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात होती है, आप सभी बच्चे जो मैं कहूंगा, चाहे आप इम्पिटस के साथ पढ़ रहे हो या कहीं और भी, कभी भी याद रखिए 2 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या करके आते हो सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। तो एक तो खुश होकर पढ़ाई करो, हैप्पी होके, और दूसरा पेपर भी बहुत ही फ्री माइंड से, तो जितना स्ट्रेस फ्री दोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो चलो अमित, एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।